ने ये पत्रकार वार्ता रखी है वो इस बात को लेकर के रखी है कि जम्मू क्षेत्र के लोगों की तरफ से और जम्मू जिले के लोगों की तरफ से मैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब का धन्यवाद करता हूं कि हमारी मांग को लेकर के उन्होंने जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। और लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा करने के बाद उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने क्या जायजा लिया और कौन कौन से कदम उठाने जा रहे हैं और उन्होंने किन खामियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के दौरे के दौरान देखा और क्या जायजा लिया, इसकी जानना हमें बेहद जरूरी है क्योंकि वहां पे मासूम लोग ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स की कमी होने की वजह से और सही इलाज नहीं मिलने की वजह से आईसीयू में, सीसीयू में, ऑपरेशन थिएटर्स में किडनी डायलिसिस हार्ट के पेशेंट्स और तमाम ऑपरेशन थिएटर में ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मासूम लोग मर रहे हैं। आपका हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे धरना प्रदर्शनों के माध्यम से हमने आप तक ये संदेश पहुंचाया और आपने सरप्राइज विजिट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, आपके बहुत बहुत आभारी हैं हम। लेकिन इसके साथ साथ जब आप अपने दौरे का विश्लेषण मीडिया के माध्यम से हमें बताएं कि आपने उस दौरे के दौरान क्या क्या जायजा लिया और साथ में हम आपसे ये भी मांग करते हैं कि हमारे गवर्नमेंट जो सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल है वहां भी बेहद खामियां हैं, डायरेक्टरेट अस्पतालों में भी बेहद खामियां हैं, जम्मू का एम्स कब बनकर के तैयार हो जाएगा और जम्मू का गैस्ट्रो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्यों बंद पड़ा हुआ है, जम्मू एम्स का ओपीडी आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में शुरू करें और साथ में डॉक्टर्स की भर्ती प्रतिक्रिया को शुरू करें और साथ में हमारा जम्मू का एम्स समयबद्ध तरीके से पूरा करें, यही आपको हम निवेदन कर रहे हैं। और फिर से आपका जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दौरा लगाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।